आई एम बैक विथ चैप्टर फोर्थ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ क्लास 12। वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपकी उद्यमिता का चैप्टर नंबर फोर्थ। मैं बता दूँ आपको कि सारे चैप्टर सारे टॉपिक मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील करने वाले हूँ, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और बता दूँ आपको कि चैप्टर जो आपका फोर्थ है वो काफ़ी छोटा चैप्टर है, ओके। ज़्यादा कुछ टॉपिक इसमें पढ़ने हमें नहीं है, तो इस चैप्टर में आपका सारा टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। जो कि ये एग्जामिनेशन जो मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ, जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2023 में उनके लिए है, मैं बता दूँ आपको, ओके। तो कन्फर्म हो जाइए आप। और बात रही आगे प्रैक्टिकल्स सारे चैप्टर्स एमसीक्यूज वगैरह वगैरह की, तो सारे चैप्टर्स आपके लगातार इस वीडियो पे पोस्ट होते रहेंगे। बस आपको इस चैनल पर हमेशा बने रखना है। एंड हाँ, सारे वीडियोज़ आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे। बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस की टेंशन आपको नहीं लेनी है। एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस गारंटेड है कि आपके एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर। 1, 2, 3 मैंने बता दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी। अब चलते हैं चैप्टर फोर्थ की तरफ। चैप्टर का नेम क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड फिजिबिलिटी स्टडी। चैप्टर का नेम थोड़ा लंबा है, बट चैप्टर उतना ही छोटा है। चैप्टर में देखिए मैंने हिंदी क्या, इस चैप्टर का हिंदी का नेम क्या है? साहसिक सुअवसर का की पहचान, साहसिक सुअवसर की पहचान और व्यवहारत्य अध्ययन। देखिए मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? चैप्टर के सारे पॉइंट्स को समझना, टॉपिक को समझना। टॉपिक समझते हैं, चैप्टर आपका 50% खुद ब खुद कवरअप हो जाएगा। तो टॉपिक में देखिए दो नेम आ रहे हैं आपके, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी आ रहा है एक वर्ड आ रहा है आपका, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, यानी मैंने क्या बोला, एक वर्ड आपका आ रहा है साहसिक सुअवसर, ओके। क्या आपका वर्ड्स आ रहा है साहसिक सुअवसर और व्यवहारत्य अध्ययन। ये दो शब्द आपके आ रहे हैं बार बार, आपको समझना है दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखिए अगर बात की जाए इस वर्ड की, साहसिक सुअवसर की, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी की, तो आपको पता होगा चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको डील किया था व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या होता है, ठीक है। अब वही अवसर अगर साहसी के लिए हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, साहसी अवसर। यानी अगर कोई एंटरप्रेन्योर खुद के लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है तो हम उसी अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। साहसी के लिए अवसर क्या बोलेंगे, साहसिक अवसर बोलेंगे। अभी डीपली पढ़ेंगे अंदर से चैप्टर के अंदर, बट अभी मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। अगर बात कीजिए फिजिबिलिटी स्टडी की, व्यवहारत्य अध्ययन की, तो सिंपल सी बात है आपके बिजनेस में A to Z क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबके बारे में आपने एक शीट पर लिख दिया, आपने उतार दिया उसको, लिख लिया, वही चीज आपका होता है क्या, व्यवहारत्य अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडी। इस चैप्टर के अंदर डीपली समझेंगे है क्या। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके बुक में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स कंसिडरिंग वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी बिजनेस में जब भी आप कोई उत्पाद को चुनते हैं कि आपके बिजनेस में कौन सा उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद को चुनने से पहले वो कौन कौन से घटक हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभाव डालते हैं, वो पढ़ना है आपको। देखिए मैंने हमेशा बोला सेट अब इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपको सेट पॉइंट्स को रट जाना है, समझ जाना है। चलिए अब देखिए मैंने क्या बोला, उत्पाद या सेवा की चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब आपको समझना है ये है क्या। देखिए फर्स्ट आपका बोल रहा है मार्केट असेसमेंट, बाजार का निर्धारण करना पड़ता है। अब आपका माल है, आपने माल तो बना दिया या माल चूज कर लिया, माल ये बनेगा, आप सोचोगे कि वो माल आपका किस बाजार में बिकने वाला है। बाजार बहुत सारे होते हैं ना, आपका बाजार होता है एक राष्ट्रीय बाजार होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है कि नहीं है। आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट होते हैं, नेशनल मार्केट होते हैं। मार्केट में कौन पहुंचाएगा, ठीक है, थोक व्यापारी को देंगे, फुटकर व्यापारी को देंगे, होलसेलर को देंगे या फिर रिटेलर को देंगे। मार्केट के बारे में सब कुछ जानना ही आपका फर्स्ट पॉइंट आता है। तो सिंपल सी बात है माल को चूज करने से पहले बाजार का निर्धारण किया जाता है। सेकंड क्या पॉइंट बोल रहा है आपका, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता। यानी अगर आप कोई भी उत्पाद सोचते हो कि हमें ये उत्पाद बनाना है, ठीक है, तो वो पॉसिबल हो आपका उत्पाद बनाना, व्यवहारिकता यानी आप उसको प्रैक्टिकल कर सको। अब ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा चीज सोच लिया बनाने के लिए जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब क्या, कि जिसका कच्चा माल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको वही माल चूज करना है जो कि आप बना सको। नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस माल को बनाने के लिए कितने लागत लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, ये भी आप सोचते हो। आपका अगला आता है कंपटीशन, क्या रहा अगला, नेक्स्ट पॉइंट इज ओ कंपटीशन। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, प्रतियोगिता। अगर आप कोई ऐसा माल चूज करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा प्रतियोगिता है,
यानी उस टाइप के सिमिलर माल मिलते जुलते माल बहुत सारे बाजार में पहले से मिलते हैं, तो सिंपल सी बात है आपका माल ज़्यादा बिकने की संभावना नहीं होगी, तो हम वो माल चूज़ करते हैं जिसके माल में कंपटीशन कम हो, जिसके बाजार में, जिसके मार्केटिंग में कंपटीशन क्या हो, कम हो, यानी प्रतियोगी कम हो। ओके, चलिए नंबर 5 क्या बोल रहे हैं आपका ध्यान दो, सारे टॉपिक्स को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड एज वेल नोट्स भी कर लेना है, बिकॉज सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई टॉपिक्स हैं। चलिए नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या मैंने बोला कि आपको ध्यान देना है कि जो कच्चा माल आपको माल बनाने में लग रहा है वो उसका सप्लाई आपको लगातार मिलते रहे और अच्छे मात्रा में मिले। ये दो वर्ड आ रहा है आपका, एडिक्वेट क्वांटिटी यानी पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल जाए, और एक और वर्ड आ रहा है कंटिन्यूअस सप्लाई, और लगातार मिलते रहे। अब ये नहीं कि आपको माल मिल रहा है, कच्चा माल थोड़ा मिल रहा है, नहीं ऐसे भी नहीं चलेगा, पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि आपको जो कच्चा माल आज मिल रहा है कल बंद हो जाए, वो आपकी उपलब्धि हमेशा सतत रहे। ओके, हिंदी क्या बोलेंगे इसको, कच्चे माल की पर्याप्त और सतत उपलब्धता। ओके, चलिए नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट, तकनीकी पहले भी देखना पड़ता है आपको। अगर माल आप चूज कर रहे हो, देखोगे कि माल किस तकनीक से बनेगा, है कि नहीं है, मशीन से बनाओगे, ह्यूमन का नीड ज़्यादा चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, ज़्यादा आपको पूंजी लगेगा, ज़्यादा मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ सोचते हो, तकनीकी पहलू के बारे में भी आप एक बार ध्यान देते हो। नंबर 7 इज अ प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, यानी जो माल चूज कर रहे हो वो आपको लाभ कितना देगा, क्या लाभ की संभावना है या नहीं। सिंपल सी बात है, वो माल चूज करते हैं जिसमें लगे कि हाँ भैया ये माल बिकेगा मार्केट में एंड आपको लाभ मिलेगा, तो आपको देखना होता है नंबर 7 इज योर प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, लाभ की संभावना कितनी है। ओके, चलिए अब चलते हैं सेकंड टॉपिक जो कि आपके चैप्टर का नेम है। अब देखते हैं क्या है आपका वर्डिंग, पूरा चैप्टर का नेम ही है सेम, आपको आपने पढ़ा होगा सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी मीनिंग। क्या मैंने बोला, सेंसिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी मीनिंग एंड स्टेप्स, साहसिक अवसर बोध अर्थ और चरण, यानी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी का साहसी करने के लिए, सेंस करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, यानी आप एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को कैसे फील करोगे, कोई एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को कैसे सर्च करता है, कोई भी साहसी साहसिक अवसर को कैसे ढूंढता है, किन किन चरण को अपनाता है, ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई पोर्शन है। अगर आप जैक बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ आइएगा, बिकॉज आपके दोनों के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, रिपीट करते हैं बार और बार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैंने क्या लिखा, अब आपको समझना है कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था वही बात है, बट चैप्टर फोर का डेफिनेशन आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, एग्जाम में पूछ दिया कि अवसर क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आपका चैप्टर फोर में जो दिया हुआ है वो बेस्ट है। ध्यान दो मैंने क्या बोला, क्या क्या आ रही है आपके, अपॉर्चुनिटी मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ कोइंसिडेंस, अपॉर्चुनिटी मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, दिस कोइंसिडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स इन एवरीवन्स लाइफ, recognizing it in the right way and taking advantage of it is called sensing entrepreneurial opportunity. हिंदी समझते हैं, हिंदी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपका, अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ उठा लेना है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अवसर का यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आती है, इसे किसी तरीके से पहचान कर इसे लाभ उठा लेना ही साहसिक अवसर बोध कहलाता है, ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटी आपका हो गया, अब ध्यान दो मैंने क्या बोला, अवसर का मतलब क्या बोला गया, अवसर मतलब क्या होता है कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है आपने उस वर्तमान समय में से खुद के लिए लाभ का कोई हिस्सा उठा लिया, यानी उस वर्तमान समय को आपने लाभ में परिवर्तित कर दिया, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है उसको आपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। और एक और बात बोल रहा है कि सबके लाइफ में आती है अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में भी है, हमारे लाइफ में भी है, अभी आप पढ़े हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ये वीडियो देखकर पढ़ सकते हो, तो ये क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अवसर सबकी लाइफ में आती है, बस जरूरत क्या है इसको राइट वे में यूज करना, समझना और इससे लाभ उठाना, यही बात बोला गया। और किसी भी एंटरप्रेन्योर को यही काम करना होता है, वो काम कम क्या क्या आते हैं, पहला लाभ उठाना, ठीक है, परिस्थिति से, अभी तो वर्तमान परिस्थिति चल रही है पहले से उससे लाभ उठाना, टेकिंग एडवांटेज। अगला काम क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, कि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स इन एवरीवन्स लाइफ, सबके लाइफ में एक ना एक बार जरूर आती है, एक बार नहीं बोला गया, बोला ऑलवेज एंड ऑलवेज, बार बार आती है सबके लाइफ में, ठीक है।
रिकॉग्नाइजिंग इट इन द राइट वे, अगर आप इसको सही तरीके से पहचान जाते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, अवसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अवसर को पहचानने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो देखना है। मैंने बार बार बोला कि जितने डेफिनेशन मैंने लिखवाया आपको, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, प्लीज़ उसको लिख कर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बहुत ही आते हैं, वीवीआई चैप्टर्स हैं आपके लिए, ठीक है। एग्जाम देने जाएंगे तो याद आएगा कि हाँ मैम ने बोला था क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं, तो पढ़ लीजिए अभी, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स क्या क्या हैं, चरण क्या क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए, अवसर को पहचानने के लिए, साहसिक अवसर को पहचानने के लिए। फर्स्ट है सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसरों को ढूंढना। सबसे पहले अवसर तो आपके पास आएगा नहीं चल के, आपको अवसर को ढूंढना पड़ता है। सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ आइडियाज, विचारों का मूल्यांकन। अब आपके पास बहुत सारे विचार आएंगे, आप मूल्यांकन करोगे कि कौन सा विचार सही है कौन सा नहीं, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज में से क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। आपको नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब आपको चूज करना है कि आपके बिजनेस में आप कौन सा उत्पाद बनाओगे, किस प्रकार की सेवाएं आप दोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नंबर 4 आपका स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, परियोजना आरंभ कर देते हैं आप। यही स्टेप्स हैं, यही चरण है जो कि एक एंटरप्रेन्योर अपनाता है, कब, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए। पहले अवसर को ढूंढेगा, अवसर को ढूंढने के बाद जो भी उसके पास आइडियाज आए हैं उनको चेक करेगा सही है या गलत, उसके बाद क्या करेगा, उसको अपने माल को ढूंढेगा कि कौन सा माल बनाएगा बिजनेस में, और ये सब करने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। ये सारे आपको स्टेप्स हैं, ये आप और हम फॉलो नहीं करते, कौन फॉलो करता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर। चलिए ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वेंचर। अब आपके बोल रहे नए उद्यम की शुरुआत। अब कोई भी एंटरप्रेन्योर जब नया बिजनेस शुरू करता है तो आपकी इस तरह जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको बताता है कि बिजनेस किस किस चरण में जाकर बनता है, यानी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो कौन कौन से रूप धारण करता है, वो उसके रूप हैं, वो उसके रोल्स हैं। तो पहला देखिए, तीन ही रूल होते हैं, चार होते हैं, प्री स्टार्टअप स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, अर्ली ग्रोथ स्टेज एंड लेटर ग्रोथ स्टेज। ऊपर से समझते हैं एक बार, ध्यान दो, बिजनेस शुरू होने से पहले क्या बोलते हैं, प्री स्टार्टअप स्टेज, प्रारंभिक पूर्व अवस्था। अभी इस अवस्था में व्यवसाय शुरू होने वाला होता है, शुरू हुआ होता हुआ नहीं होता है। आपका सेकंड क्या बोल रहा है, स्टार्टअप स्टेज, यानी बिजनेस आपका व्यवसाय शुरू हो जाता है, प्रारंभ की अवस्था। इसमें है अर्ली ग्रोथ स्टेज, विकास के पहले की अवस्था, यानी अब आपका बिजनेस व्यवसाय थोड़ा थोड़ा विकास करना शुरू कर देता है, तो विकास के पहले की अवस्था। और आपका अगला है विकास की बाद की अवस्था, ग्रोथ के बाद का स्टेज। अब समझते हैं क्या, देखिए प्री स्टार्टअप स्टेज प्रारंभिक पूर्व अवस्था में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दो, बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करोगे, आप बिजनेस के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करोगे, हिंदी क्या है, व्यवसाय के अवधारणा की पहचान करोगे। पहले सबसे पहले बिजनेस शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय कैसा होगा, क्या करेंगे व्यवसाय में, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो लाभ के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन सा माल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डैट डैट एंड डैट, ठीक है। व्यवसाय के कॉन्सेप्ट को ढूंढते हो कि व्यवसाय क्यों करना है आखिर, ठीक है। अगला आपका है प्री स्टार्टअप इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इम्प्लीमेंटेशन में होता है, आप जो दिमाग में आपने सोचा वो प्लानिंग होती है, अगर आपने उस प्लानिंग को असल में कर दिया तो बन जाता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी हिंदी क्या है, प्रारंभिक पूर्व क्रियान्वयन। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब काम को शुरू करने के पहले की अवस्था होती है, जैसे एक हो गया आपने प्लानिंग कर ली कि आप कल 3 पेज लिखो नोट्स करोगे, आप कल चैप्टर 4th का चलने वाले थे, नोट्स आप करोगे, आपने प्लानिंग की, ठीक है। आप अभी रूम में बैठे हो, कल आ गया दिन मान लीजिए, आप रूम में बैठे हैं, पेन आपने हाथ में ले लिया, तो अभी आप इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो, क्रियान्वयन करने वाले हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, क्रियान्वयन से पूर्व की अवस्था। अभी जो आप सोचा आपने वो आप काम सारा करने वाले हो, अभी हुआ नहीं है, काम करने वाले हो। आपका थर्ड क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन करते हैं, व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, पैसा कौन लगाएगा, कितना पैसा लगाएंगे बिजनेस में, ठीक है, ये सोचते हो आप। अगला है प्रोडक्ट मार्केट स्टडी, उत्पाद बाजार अध्ययन। अब जो उत्पादन आप करने वाले हो, जो आपने उत्पाद की चयन की है, उसके बारे में पढ़ोगे कि क्या उसका डिमांड है या नहीं है, मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, मांग है या नहीं है, बाजार में बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, ग्राहक चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ये सब आप चीज़ें करते हो कब, व्यवसाय शुरू होने से पहले। ये सारे काम जो है ABCD व्यवसाय शुरू होने से पहले के कार्य हैं। चलिए सेकंड क्या आपका, स्टार्टअप स्टेज। अब देखिए इसमें आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, नया नया खुलता है, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका है, इंटरप्राइज पोजिशनिंग, उपक्रम की स्थापना। सबसे पहले तो स्टार्ट करने के लिए ये सोचेंगे ना कि अब बिजनेस कहाँ पर स्टार्ट करना है, किस जगह पर खोलना है,
बिहार खोलेंगे, झारखंड में खोलेंगे, यूपी में खोलेंगे, तो आपको व्यवसाय का पोजीशन आप देखते हो, ओके। सेकंड इज योर फुलफिलिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अब जो आपके व्यवसाय का उद्देश्य है आप उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं व्यवसाय शुरू होने के बाद। उद्देश्य आपका है कि इस साल कैसे भी करके 8 लाख कमा लेना है, तो लग जाएंगे जी जान से, 8 लाख प्रॉफिट मुझे मिल जाए, ठीक है। व्यवसाय शुरू करने के बाद आप उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग जाते हो। आपका अगला अर्ली ग्रोथ स्टेज, इसमें क्या होता है, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। इसमें क्या होता है कि आपका व्यवसाय बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, विकास अभी नहीं होता है, विकास होने से पहले की अवस्था है। कोई भी व्यवसाय है पहले खुलेगा, खुलने से पहले आप काम करोगे, खोल लोगे, खुलने के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट तो नहीं मिलेगी ना, प्रॉफिट मिलने से पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं हम, अर्ली ग्रोथ स्टेज। अब आपका अगला है लेटर ग्रोथ स्टेज। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर प्रॉफिट मिल गई आपको हमेशा मिलती रहेगी प्रॉफिट, एक ऐसा समय भी आएगा जब आपका बिजनेस प्रॉफिट करना बंद कर देगा, डेवलपमेंट करना बंद कर देगा, उसको बोलते हैं लेटर ग्रोथ पीरियड, विकास के बाद की अवस्था। आप इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग अवस्था भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इस अवस्था में बिजनेस पूरी तरीके से गिर जाता है, समझ में आ गई बात आपको। ये सारे आपके बिजनेस के रूप हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, लिख देंगे, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ओके। मैंने आपको दिखा भी दिया, समझा भी दिया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जैसे मैंने बोला था चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका, तो लास्ट टॉपिक है, खत्म करते हैं पढ़ के इसको। व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, व्यवहार्यता अध्ययन। फिर से मैंने बोला, ध्यान दीजिए, ये आपका वीवीआई पोर्शन है, ये आपका वीवीआई पोर्शन है, रट जाइए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा, चांसेस हैं आने के, 95% चांसेस है इस क्वेश्चन का आने का, चलिए, हर एक साल आता है आपके एग्जाम में। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, मैंने वही बोला कि बिजनेस में, अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना है आपको, बिजनेस क्या है, बिजनेस क्यों कर रहे हो आप, बिजनेस में जो माल बनाओगे वो माल कैसा होगा, लागत मूल्य क्या होगा, बिक्री मूल्य क्या होगा, बिजनेस के बारे में A to Z आपने एक कागज पे लिख दिया, वही क्या है फिजिबिलिटी स्टडी, व्यवहार्यता अध्ययन। अब देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है आपके, हाउ विल द इंटरप्राइज ऑपरेट, व्हाट विल बी द कॉस्ट, How much will be the selling price? How will be the advertisement be done? What will be the scope of profit, etc. The full possibilities of nail to hair. यहाँ पे क्या बोला गया, नाखून से बाल तक का एक एक चीज should be studied by writing on paper. This study of this thing is called feasibility study. मैंने क्या बोला समझते हैं फिर से, क्या आपका है, How will it be? कैसा होगा आपका व्यवसाय, कैसा होगा। अगला क्या बोल रहा है, हाउ विल बी द इंटरप्राइज ऑपरेट, व्यवसाय शुरू कैसे करोगे, इंटरप्राइज को ऑपरेट कैसे करोगे। अगला क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट, आपका लागत मूल्य क्या होगा, ओके। अगला है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, कितने में माल को बेचेंगे। अब अगला है कि प्रचार कैसे करवाएंगे, माल का प्रचार एडवर्टीजमेंट कैसे होगा। अगला आपका है व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ प्रॉफिट, यानी अब आपका जो व्यवसाय आप करने वाले हो उसमें प्रॉफिट की संभावना कितनी है, लाभ की संभावना कितनी है। इन सब चीज के बारे में नेल टू हेयर, नाखून से बाल तक व्यवसाय के हर एक छोटे चीज को आप जब लिखते हो, एक वर्ड है राइटिंग, ओके, एक पेपर पर लिख लेते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। हिंदी वाले पढ़ लीजिए एक बार कि यह कैसा होगा, उद्यम कैसे संचालित होगा, लागत क्या होगी, बिक्री मूल्य कितना होगा, ओके, लागत क्या होगी, बिक्री मूल्य कितना होगा, विज्ञापन कैसे किया जाएगा, लाभ का दायरा क्या होगा, आदि नाखून से बाल तक की पूरी संभावना कागज पर लिखकर अध्ययन करना चाहिए। इन चीजों के अध्ययन को व्यवहार्यता अध्ययन कहा जाता है। आप सब समझ गए होंगे फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, मैंने बता भी दिया, डेफिनेशन भी आप पढ़ लिए, याद हो जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कभी भी आप देख सकते हैं वीडियो को याद करने के लिए। अगर पॉसिबल नहीं है बार बार देखना तो सिंपल सी बात है, कॉपी पर उतार लीजिए, आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही वीडियो बार बार देखिए, बस आपको टॉपिक्स को उतार के याद कर लेना सारे टॉपिक्स को, ओके। तो ये आपका होता है चैप्टर 4 यहाँ से कंप्लीट, फिर मिलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर 5 के साथ। बट उससे पहले गाइस 1, 2, 3, 4 जितने चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं सबके MCQ जल्द आएंगे, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कंप्लीट होता है सारे VVI ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर वाइज चैप्टर्स भी आएंगे एंड पूरे ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप भी आएंगे। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।